अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हुकूमत और ओपोजिशन के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म, दोनों टीमों के दरमियान अकरम दुरानी की रिहाइश गाह पर बातचीत के दो दौर हुए। हुकूमती टीम कुछ देर के लिए वज़ीर आज़म से मशावरत के लिए भी गई। परवेज खटक और अकरम दुरानी का कहना है बातचीत दोबारा होगी। हुकूमत की तरफ से बातचीत के दूसरे दौर में परवेज इलाही की अदम शिरकत, वज़ीर आज़म को भी मुज़ाकरात से आगाह कर दिया गया। टी चौक या चाइना चौक, अपोजिशन दोनों मकामात में से एक पर जलसे की इजाज़त देने पर बाज़िद। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इन दोनों मकामात पर जलसे की इजाज़त देने पर तैयार नहीं। वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर कोई बात नहीं हुई। मेडिकल बोर्ड का नवाज शरीफ का फिर मुआयना, प्लेटलेट्स की तादाद में इजाफा होने लगा। नई रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के प्लेटलेट्स की तादाद 30,000 तक पहुंच गई। नवाज शरीफ की जिल्द पर सुर्ख धब्बे बरकरार, अंजाइना की तकलीफ के बाद दिल की अदवायात शुरू कर दी गई। उधर मरियम नवाज को जेल से सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की हमशीरा पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी MNA की वालदा मोहतरमा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना जावेद हाशमी, मौलाना तारिक जमील कमिश्नर RPO मुल्तान, MPA पीर अली अब्बास और इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी सलीम अराई, चौधरी जमशेद शौकत, चौधरी वसीम शहजाद शामिल थे। रस्म कुलखाने बरोज इतवार 10 बजे पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी के अबाई गांव मियां चन्नू में अदा की जाएगी। पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी की तरफ से हलका की आवाम को दुआओं में शिरकत की अपील। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का तहसील पसरूर में खुली कचहरी का इनेकाद। पसरूर शहरियों का मुख्तलिफ सरकारी महकमों और पुलिस के खिलाफ शिकायात के अंबार। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट डॉक्टर उमर शेर चट्ठा की अवामी शिकायात पर तहसील इंतजामिया और मुतलका महकमों के अफसरान से इजहार बरहमी। अवामुल्लास के जायज़ मुतालबात पर फौरी एक्शन लेने और अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इकदाम करने की हदायत। खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद अवाम के मसाइल उनके घर की दहलीज पर हल करना है। बनू ज़िला इंतजामिया की जानिब से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का अहतमाम किया गया। रैली में DC अताउर रहमान, MPA मलिक शाह मोहम्मद खान और ज़िला अफसरान के अलावा तालबा ने भी शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। इनका कहना था कि पख्तून कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है, भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है, अक़वामे मुत्तहिदा की खामोशी अफसोसनाक है। इन्होंने मुतालबा किया कि कश्मीर में जारी जुल्म का सिलसिला बंद किया जाए। आखिर में इज्तमाई दुआ भी मांगी गई। दो खानदानों की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। चेक नंबर 13 ML के दो ग्रुपों में एक साल से खूनी दुश्मनी चली आ रही थी। इलाका मौजिजीन की कोशिश से दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। इसी सिलसिला में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें दोनों ग्रुपों को गले मिलाया गया। एक दूसरे के खून के प्यासे एक हो गए। दोनों खानदानों ने मौजिजीन का शुक्रिया अदा किया। घोटकी डेहरी के नवाही इलाका में शर बरादरी के दो ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग में मियां बीवी जा बहक, फायरिंग करने वाला मुल्ज़िम मकतूल का भतीजा है। दोनों ग्रुपों में रिश्तेदारी का तनाजा था। पुलिस ने जाए वकूआ पर पहुँच कर लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुरीद के थाना सदर की आबादी पीपल्स कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया, 12 साल लड़के ने मुबैना तौर पर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बदीन महकमा वर्ल्ड लाइफ की कार्रवाई, नायाब परिंदों की सरेआम फरोख्त पर एक शिकारी गिरफ्तार, जबकि 20 नायाब परिंदे भी बाजियाब। सर्दी का मौसम शुरू होते ही साइबेरिया और रूस के आबी परिंदे मीलों दूर का सफर तय करके बदीन के साहली पट्टी का रुख करते हैं। शिकारी इनका शिकार करके बदीन समेत मुख्तलिफ मुकामात पर फरोख्त करते हैं। रहमते दो जहां नबी आखिरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के मुबारक माह की आमद के साथ ही मसाजिद, घरों और तालीमी अदारों में दरूद व सलाम और नातों की रात की महाफिल का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसी ही बाबरकत महफिल सुपीरियर कॉलेज भेरा में सजाई गई।
कराची के नामवर नाथ ख्वां अलहाज कादरी महमूदुल हसन अशरफी ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। निजी हाल में सजाई गई दो नशिस्तों पर मुश्तमिल महफिल नातों के रात में स्पीरियल कॉलेज के तलबा और तालबात ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया। थरपारकर की तहसील छाछरो हाई स्कूल के अरबी के टीचर ने कुएं में छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। इत्तला के मुताबिक मरहूम का कुछ दिनों से जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं था। मरहूम ने बुरसा में एक बेवा, तीन बेटों और तीन बेटियों को छोड़ा है। चन्यौट की तहसील लालिया में पीप के जेरे एहतमाम चलने वाले स्कूल सैकड़ों बच्चों को सहूलियात देने में नाकाम। स्कूल के तलबा और तलबात फर्नीचर और बुनियादी सहूलियात से महरूम 100 से जायद बच्चों के लिए तीन छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जो कि नाकाफी हैं। स्कूल में 100 से जायद बच्चों को सिर्फ दो असातिज़ा पढ़ाने पर मजबूर हैं। स्कूल की ना तो चार दीवारी मुकम्मल है और ना ही गेट मौजूद है। लालिया इलाका मकीम पीप इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज और पंजाब हुकूमत से बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।